लेकिन फिर भी कैटरीना भी क्यों ना, तुम्हारे भाई का कॉन्फिडेंस मतलब ये तो तीर नहीं तो फकीर कि नाक के अंदर का अमेज़न फॉरेस्ट साफ कर सकता। अच्छे बच्चे की जैसा तुम्हारे भाई ने अपना चिकन राइस साथ में लेके आया। इमोशनल कर दिया यार तुम्हारे भाई को, लकड़ी उकड़ी तोड़ दी। ओ भाई साहब, ओके वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। ज्यादा खुश हो क्योंकि मैं खुद इतना खुश हूँ। जाओ बच्चे जाओ, जाओ जाओ, जाना जरूरी है। ये मैं बच्चे लोग को जाने दिया था, ये बाजू की गाड़ी वाले जो रहते ना उनको नहीं जाने दिया था। खैर मैं बोल रहा हूँ हम आ गए मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यार आप व्लॉग बनाओ, आपके व्लॉग में सो रहे। कोई रीज़न था जिसकी वजह से व्लॉगिंग करने का दिल ही हट गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्यों करना है, लेकिन अब फिर एक है ना, हमारे हर्षद मेहता है, मतलब हमारे भाई है, किसी दिन उनसे मिलाऊंगा। मतलब उनका नाम हर्षद मेहता नहीं है, बट वो एक्चुअली में हर्षद मेहता का रोल प्ले करते हैं। मतलब हर्षद मेहता इज़ अ रॉन्ग वर्ड, मुझे लगता है कि उनका नाम राकेश झुंझुनवाला होना चाहिए। तो किसी दिन आपसे मुलाकात करूँगा, करवाऊँगा। तो वो इंसान की मम्मी ने मुझे आखिरी बार बोला कि ये बेटा तेरे व्लॉग बहुत अच्छे आते थे, तूने बंद क्यों कर दिया। मैंने बोला भाई साहब अब तो मुझे चालू करना पड़ेगा, और आंटी को पूरा क्रेडिट जाता है। अब कोशिश है कि आज से व्लॉग चालू कर रहा हूँ, कोशिश है जितना कर पाऊंगा उतना दिखाऊंगा, चाहे व्यू आए ना आए, माकिया उससे कोई कभी फर्क नहीं पड़ा ना कभी फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आंटी ने बोल के ना मतलब इमोशनल कर दिया यार तुम्हारे भाई को। तो अभी मैं जा रहा हूँ सलून, बिकॉज मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि व्हाट इज़ बेटर देन ट्रैवलिंग व्लॉग। सो पहले जाते हैं सलून, ये थोड़ा हुलिया ठीक करते और फिर उसके बाद में आपको बाकी की डिटेल्स बता दें। यही वो इंसान है ये, जब से इनका सलून खुल गया देखो कितना शर्मा रहे, इतने सीधे ये। जब से इनका सलून खुला तब से ये भाई साहब हमें ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ लुई विटॉन की टी शर्ट वीशर्ट पहनने लग के इतना पैसा कमा रहे। हाँ इनके सलून का नाम आप लोगों को पता ही नहीं है, मैं स्टोरी भी बताता हूँ। स्मक लंदन, पता नहीं इन्होंने कहाँ से नाम सोचा कि मुझे इंग्लिश कमज़ोर पड़ गई और आज की तरह इतना फ्रेम में आ जाता हूँ। और यही वो इंसान है जिसकी वजह से मुझे बुरी आदत लगी कि एयरपोर्ट जाने से पहले भाई थोड़ा रेडी वेडी होकर जाया करो। तो भाई का सलून है लोखंडवाला में, कितने साल से मेरे बीएड ये कर रहा है, और जब से इनका सलून खुला बीएड ये करने लगा है ये लड़का क्योंकि इनके पास टाइम नहीं रहता। ये क्या है? लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक वैक्स क्या हो सकता है, मैं बोलता हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक वैक्स हो सकता है कि नाक के अंदर का अमेज़न फॉरेस्ट साफ करना। ये इतना दुखता है ना भाई साहब, मतलब ऐसा लगता है किसी ने 10-15 बार एक साथ दिल तोड़ दिया। इससे डेंजर वैक्स कुछ नहीं हो सकता जी। लेकिन एक साथ पूरा जंगल भी साफ कर देता है, पूरा जंगल साफ एक महीने की फुर्सत। और अगर गलती से करने वाले ने लकड़ी उकड़ी तोड़ दी, ओ भाई साहब, जेवा बोली मैं पहले ही खींच लेती हूँ इससे पहले लकड़ी टूट जाए। भी बोलो जब इंसान रेडी होके निकलता है ना तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहता है। मतलब फिर तो सामने कैटरीना भी क्यों ना हो, वैसे कैटरीना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कैटरीना भी क्यों ना, तुम्हारे भाई का कॉन्फिडेंस मतलब रेडी होने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, क्या बोलता है कमो? कैटरीना तो विक्की ही है कम्मो अभी हज करके आया है और देखो वैसी बातें कर रहा है। सबके सब जाके कम्मो को लिखो कमेंट में हज मुबारक, और हमेशा की तरह हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और कम्मो हमें छोड़ने आ रहे हैं। क्या बोलते हैं कम्मो और संडे को वापस से लेने को भी, वो पता नहीं कौन से संडे को मंडे को पता नहीं,
रिटर्न टिकट नहीं करवाया हूँ। हाँ लेकिन शायद संडे के दिन लेने आना पड़ेगा आपको। लेकिन कम हुआ यार, कैटरीना के ऊपर नज़र मार रहा था, हर्ज पड़ गया यार, शर्म कर रहा है। तो उसमें क्या विक्की भाभी है, विक्की भाभी। एयरपोर्ट पहुँच गए, चेक इन और इमिग्रेशन सब हो गया। अभी बज रहे हैं, एक्चुअली ये घड़ी के अंदर में 2-2:30 है तो समझ में नहीं आता कौन सा टाइम, कंफ्यूज हो जाता। तो दूसरे मोबाइल में देख लो 3:05, मेरी फ्लाइट है 4:25 की, यानी कि ऑलमोस्ट 1:20 है मेरे पास में। और नमाज का भी टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और सबसे पहले जाके दुआ मांग लेते यार, क्योंकि जो देने वाला है वो तो अल्लाह ताला है, बाकी सब तो मुसाफिर खाना है, तो पहले वो कर लेते और उसके बाद कुछ खाएंगे। खाने के लिए तुम्हारे भाई ने पार्सल लाया है, वो भी दिखाऊंगा, फिर फ्लाइट में जाएंगे और कहाँ जा रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। सबको मालूम है कहाँ जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ और कहीं नहीं जाता, मैं सिर्फ दुबई जाता हूँ। अच्छे बच्चे की जैसा तुम्हारे भाई ने अपना चिकन राइस साथ में लेके आया है और लैपटॉप भी साथ में लेके आया है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, चार्जर है, लैपटॉप है और ये मेरा चिकन राइस है। बिकॉज क्या है ना, एयरपोर्ट के खाना खाने से बेटर है चिकन राइस खा लो, डाइट भी मेंटेन रहती है और हेल्थ भी। ये तो तीर नहीं तो फकीर। मैं तो भूल ही गया कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैं एक्चुअल में पूरी फ्लाइट में ऑनलाइन ट्रेनिंग का काम कर रहा था तो भूल ही गया, लेकिन फिर अभी मगरिब की नमाज पढ़ने गया तो नमाज में शैतानी ख्याल जो आता है ना, ये जो शैतानी ख्याल नमाज में आता है ना, मैं बोला यार मैंने वहाँ पे नमाज के टाइम पे व्लॉग बनाया था और फिर अपने अरबाब वहाँ कम्बो छोड़ने आते और यहाँ अरबाब लेने आते हैं। मतलब 20 दिन के लिए गया था तो इतना देखो चेहरे पे, ओह माय गॉड, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे पास तुम हो। मतलब मैं समझा कि तुम हो। पूरा दुबई एक तरफ और अलकेल हाइट एक तरफ, क्या बोलते हैं हबीबी? सही बात है। मतलब अलकेल हाइट्स के जैसा वाइब किधर नहीं है, क्या बोलते हैं हबीबी? किधर नहीं है। इसके लिए तुम्हारे भाई का फेवरेट लोकेशन है अलकेल हाइट्स। सबसे पहले क्या, ग्रोसरी। सबसे पहले ग्रोसरी मतलब के, लेकिन यहाँ पे ग्रोसरी की दुकानें तो माशाल्लाह, अरबिक म्यूजिक को समझ में नहीं आ रहा है। पता तो चल रहा है नाम का है, पता तो चल रहा है ना। मतलब यहाँ की ग्रोसरी लेने के लिए अगर घुस जाओ ना तो सब कुछ आ गया, मतलब सब। मेरे को लगता है निकाह से लेकर मैयत तक का सब सामान सब मिलेगा, बच्चा पैदा होने से लेकर मैयत तक का सब सामान मिल जाएगा। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का व्लॉग मैंने बहुत अच्छा बनाया, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मोटिवेशन अच्छा दोगे तो वीडियो ज्यादा मिलेगी, व्लॉग ज्यादा मिलेंगे। बाकी कोशिश तो करते रहेंगे, आंटी ने मोटिवेट किया है तो बनाना तो पड़ेगा। चलो दुआ में याद रखना और जायदाद में किसी का भाग बिल्कुल मत रखना।